गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन ने कल संस्कृत का प्रथम पाठ देखा था और उसमें दो श्लोक कर दिए थे, तो उन दो श्लोकों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या किया था। गुणा गुण गेसु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वाद तो या भवन पर भवन्ति नदः समुद्रम आसादय भवन्ते पयः। कि गुण गुणवान लोगों के पास या गुण को जानने वालों के पास गुण होते हैं और वे ही गुण निर्गुणों को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। जैसे नदियाँ उत्पन्न होते समय मीठे जल से युक्त होते हैं और वह समुद्र में मिलने के बाद में पीने योग्य नहीं रहती हैं, अर्थात खारेपन को प्राप्त हो जाती हैं, नदियों का जल खारा हो जाता है। वैसे ही गुण भी जो गुणों को जानता है उन व्यक्तियों के पास तो गुण ही रहते हैं, लेकिन जो गुणों को नहीं जानता है उनके पास वो गुण भी निर्गुण हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तर्षणम न खादन अपि जीव मान है तद भाग्य देव परम पशु नाम है। तो साहित्य जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला से रहित होता है वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। जैसे तरणम ने खादन अपि जीव मान है तद भाग्य देवम परम पशु नाम, तो ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाते हुए जीवन यापन करते हैं, अर्थात वो पशु पूंछ और सींग से रहित पशु की समान ही है, लेकिन वो घास नहीं खाते हुए जीवन यापन करते हैं, ये पशुओं का सौभाग्य है। क्योंकि अगर वह इंसान जो पशु रूप इंसान घास खाने लग जाएंगे तो पशु क्या खाएंगे। तो इंसान की बताया कि साहित्य संगीत और कला से निपुण होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें व्यक्ति के पास नहीं रहते तो पूंछ और बिना सींग वाला पशु के समान बताया गया है। अब देखो ये दोनों श्लोक तो अपन ने कल पढ़ लिए थे, अब आगे आज देखते हैं। तो तीसरा श्लोक देखो, लुब्ध से नश्यति यश पशु नश्य मेत्री ही नष्ट क्रियश्य कुलम अर्थम अप्रश्य है धर्म है विद्या फलम यवसीन है कर्पाणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नरा अधिपत्य। एक एक शब्दार्थ देखो, लुब्ध से यानी लोभी, नश्य से यानी नष्ट करता है, यसे यानी यस को, लोभी के यश को नष्ट करता है, अर्थात जो व्यक्ति लोभी होता है लालची होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। मैं एक एक शब्दार्थ का अर्थ बता रही हूँ, जो भी आपको शब्दार्थ लगे जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इनका अर्थ ऊपर आप लिख लेना ताकि आप दोबारा पढ़ो तो भी आपको याद रहे, तो आप पेंसिल्स के साथ लिखते जाना। लुब्ध से यानी लोभी, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यस यानी यश लोभी का यश नष्ट हो जाता है, यश मतलब कीर्ति, कीर्ति मतलब सम्मान, जो लालची होता है उसका सम्मान नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है। पशु नश्य मैत्री, पशु नश्य यानी चुगलखोर, चुगली करने वाला, मैत्री यानी मित्रता, नश्यति यानी नष्ट हो जाते हैं। ये जो नश्यति शब्द है वो सबके साथ में आएगा, हर लाइन के हर शब्द के साथ में नश्यति का अर्थ आएगा। तो पशुनश्य यानी चुगलखोर, चुगली करने वाले को क्या बोलते हैं, पशुनश्य। मैत्री यानी मित्रता, चुगली करने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात जो चुगलखोर होता है उसका कोई भी मित्र नहीं बनता है। नष्ट क्रिया से, नष्ट क्रिया से यानी निष्क्रिय क्रिया करने वाला, अर्थात काम नहीं करने वाला। कुलम अर्थ, कुलम यानी कुल, नश्यत यानी नष्ट हो जाता है, यह अलग टुकड़ों में करके पढ़ा करो, कुलम अर्थ परसे, तो कुलम यानी कुल वंश, नष्ट क्रिया से यानी नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता, तो कार्य नहीं करता तो वो निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय हो जाने का मतलब उसका कुल समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थम यानी धन, परस्य यानी अर्थ यानी धन, परस्य यानी आधारित होना, धन पर ही आधारित होना। धर्म यानी धर्म, नश्यते नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, जो धन के ऊपर आश्रित रहता है, धन की लालसा होती है, धन ही उसके लिए सब कुछ होता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात धन की लालसा करने वाला धर्म पर ध्यान नहीं देता है, वो केवल धन कमाने में लगा रहता है, धार्मिक कार्य नहीं कर पाता है, तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है, जो धन पर आश्रित होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है या धर्म नहीं रहता है। आगे देखो, विद्या फलम यवसीन, यवसीन का मतलब
बुरी आदतों वाला, व्यवसिना मतलब है बुरी आदतें वाला, था अर्थ अनेक गलत आदत होती हैं उसमें, उसको बोलते हैं व्यवसिना। व्यवसिना मतलब बुरी आदतों वाला, विद्या फलम यानी विद्या का फल नश्यते यानी नष्ट हो जाता है। अच्छा, जिसके अंदर बुरी आदतें होते हैं, दुर्व्यवसन होते हैं, उनकी विद्या का जो फल प्राप्त होता है वो भी नष्ट हो जाता है। अर्थात जैसे आपने विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद में कोई भी गलत आदत आप में लग गई, तो जो विद्या से फल प्राप्त होता है वो आप को प्राप्त नहीं होगा, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कर्पणस यानी कंजूस का, सौख्या यानी सुख, नश्यते यानी नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। कर्पणस यानी कंजूस का, सौख्या यानी सुख, नश्यते यानी नष्ट हो जाता है, सौख्या यानी सुख सुविधाएं जो ऐश्वर्य होता है वो नष्ट हो जाता है। राज्य में परमत सचिव से नराधिपत्य से, राज्य में राज्य परमत यानी आलसी, सचिव से यानी सचिव का, नराधिपत्य यानी राजा का, राजा का राज्य आलसी सचिव, तो राज्य जिस राज्य में आलसी सचिव होता है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिसका आलसी सचिव होता है, मंत्री होता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। परमत्त यानी आलसी सचिव से यानी सचिव, नराधिपत्य से यानी राजा का राज्य यानी राज्य नश्यत यानी नष्ट हो जाता है, उस जो आलसी सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा देखो, लुब्धस्य नश्यति यश, यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पेशु नश्य मित्रते, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी क्रिया रहित कार्य नहीं करने वाले का, निष्क्रिय क्रियाशील का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थम परस्य धर्म, अर्थ पर आधारित रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यवसिना है, विद्या फल व्यवसिन यानी बुरे आदतों वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। विद्या जो प्राप्त की इसके द्वारा जो फल हमें मिलने वाला था वो नष्ट हो जाता है। कर्पण से सौख्यम, कर्पण यानी कंजूस का सुख सुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। राज्यम परमत सचिव से नराधिपत्य से, आलसी सचिव के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात जिन लोगों लालसी होते हैं, लालची का यश जो भी कीर्ति होता है वो नष्ट हो जाता है, और जिनकी चुगली करने की आदत होती है उसके कोई भी मित्र नहीं बनता है, और जो कार्य नहीं करेगा तो उनका वंश अपने आप खत्म हो जाएगा, और जो धन पर ही आधारित होता है वो धर्म का महत्व खो देते हैं, धर्म धार्मिक कार्य नहीं कर पाते हैं, केवल वो धन कमाने में लगे रहते हैं, तो धर्म का नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यवसिन, और जिनकी बुरी आदतें होती हैं वो विद्या का फल प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हमारे अंदर जो विद्या अध्ययन करने के बाद में अपन कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और जो कंजूस होता है, तो कंजूस अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीद नहीं पाता है, तो सुख खत्म हो जाता है। और जो आलसी सचिव होता है, मंत्री होता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट श्लोक, पित्वा रसम तु कंटकम मधुरम सम्मानम माधुर्यम एव जन्येत मधुमक्षिका असौ संतह तथा एव समसज्जन से दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम रसम सर्जयति। एक एक शब्दार्थ देखो, पित्वा यानी पीकर के, रसम यानी रस, तु यानी तो, कटुम यानी कड़वा, मधुरम यानी मधुर, सम्मानम यानी सम्मान, माधुर्य यानी माधुर्य, सहद एव यानी ही, जन्यत यानी उत्पन्न करते हैं, मधुमक्षिका यानी मधुमक्षी, असो यानी यह। तो नीचे वाली लाइन का पहले अर्थ आएगा, असो यानी यह, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खियाँ, कटुकम तु रसम पित्वा यानी कड़वे रस को, मधुरम सम्मान यानी मधुरता के, मीठे के सम्मान पी करके, माधुर्यम एव जन्येते यानी शहद उत्पन्न करती हैं, मीठा उत्पन्न करती हैं। जो मधुमक्खियाँ कड़वे रस को भी मीठे रस के सम्मान पी करके मीठा शहद उत्पन्न करती हैं। असौ मक्षिका यानी यह मक्खियाँ, रसम तु कटकम मधुरम समान है, जो रस कड़वा रस मधुर के समान, मीठे के समान, पित्वा यानी पी करके, माधुरम एव यानी मधुरता से युक्त शहद जनयति यानी उत्पन्न करती हैं। जो मक्खियाँ
कड़वे रस को भी मीठे रस के समान पी करके मीठा शहद उत्पन्न करती हैं। माधुर्य का अर्थ होता है शहद। तो आप ये जो अंडरलाइन करना हो इसका अर्थ लिखते जाना, जो भी आपको कठिन शब्दार्थ लगे उसका अर्थ पेंसिल से ऊपर लिख लेना। आगे देखो, संत है तथा एव, संत यानी संत लोग, तथा यानी वैसे, एव यानी ही, संत लोग भी वैसे ही अर्थात जैसे मधुमक्खियों ने कड़वा रस पी करके मीठा शहद बनाया था, वैसे ही सज्जन लोग भी समय यानी सम्मान, सज्जना यानी सज्जन, दुर्जनानाम यानी दुर्जनों के, वचैनी वचन, श्रुत्व यानी सुन करके, कि वैसे संत लोग भी सज्जनों के सम्मान, दुर्जन लोगों के वचन सुनकर के, आपको भी पता है दुर्जन हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, तो उन दुर्जनों के वचन सुनकर सज्जन लोगों के सम्मान ही मधुरम यानी मधुर, सुक्तम यानी सुक्ति, रसम यानी रस, सर्जित यानी निर्माण करते हैं, मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं, अर्थात अच्छे वचन, सुभाषित वाला आपने पढ़ा था, तो वैसे ये अच्छे वचनों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मधुमक्खी ने अपना कड़वा रस पी के मीठा शहद उत्पन्न किया था, वैसे ही संत लोग भी दुर्जनों के कड़वे वचन को सुनकर, दुर्जनों के वचनों को सुनकर के सज्जनों के वचन के सम्मान ही मधुर शुद्ध रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। दोबारा देखो एक बार, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ, यह असौ यानी यह मधुमक्षिका यानी मधुमक्षी, रसम यानी रस, तु यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, कड़वा रस, मधुरम यानी मीठा, सम्मानम यानी सम्मान, पित्वा यानी पीकर, यह मधुमक्खियाँ कड़वे रस को मीठे रस के सम्मान पीकर माधुर्यम यानी शहद, एव यानी ही, जनयेत यानी उत्पन्न करती हैं, शहद उत्पन्न करती हैं। संत तथा एव, संत भी तथा यानी वैसे ही, एव यानी ही, संत भी वैसे ही समय यानी सम्मान, सजना यानी सजने से, दुर्वर्जना नाम यानी दुर्जनों का, वचैनी वचन, श्रुत्व यानी सुन करके, वैसे ही संत लोग भी दुर्जनों के वचन सुनकर सम सजन यानी सज्जनों के सम्मान मधुर सुक्त रसम सर्जयते यानी मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, मधुर वचनों का निर्माण करते हैं, अर्थात उनके कड़वे वचन भी मधुर वचनों के सम्मान सुन लेते हैं। आगे देखो, विहाय पुरुषम यो ही देव आलम्भेते हैं, प्रसाद सिंह वत है तस्से मूर्धने तिष्ठन्ति वायशः। विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ मतलब कार्य करने वाले को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं, तो इनके लिए जो भी अपन कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको ही बोलते हैं पौरुष। तो विहाय यानी छोड़ करके, पौरुष यानी पुरुषार्थ को, ये यानी जो ही यानी ही देव यानी भाग्य के अवलंबिते यानी आश्रित होते हैं, जो पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य पर आश्रित होता है, अर्थात जो व्यक्ति कार्य करना तो छोड़ देता है, क्रिया करना छोड़ देता है, परिश्रम करना छोड़ देता है, काम करना तो छोड़ देता है और अपने भाग्य पर आश्रित हो जाता है, देवम यानी भाग्य पर अवलंबिते यानी आश्रित हो जाता है, देवम अवलंबिते यानी भाग्य पर आश्रित हो जाता है, वह प्रसाद सिंह वतैन, प्रसाद यानी महल के द्वार पर, सिंह वतैन यानी सिंह के समानता से, यानी उसके मूर्धनि यानी सिर पर तिष्ठते यानी बैठते हैं, वायस यानी कौवा, कि महल के द्वार पर बैठे सिंह पर, सिंह के सिर पर कौवे बैठते हैं, अर्थात जैसे पहले के राजा महाराजाओं के जो महल होते थे उनके द्वार के ऊपर सिंह की मूर्तियां रखी जाती थी, उन मूर्तियों के ऊपर जैसे सिर, उस मूर्ति के सिर के ऊपर, मूर्धनि का अर्थ क्या होता है सिर, तो सिर के ऊपर जैसे कौवा बैठता है न, वैसी स्थिति उन पुरुषों की हो जाती है जो भाग्य के ऊपर आश्रित रह करके कार्य नहीं करते, अर्थात जैसे जंगल में शेर के पास जाएंगे तो कोई कौवा उसके सिर पे बैठ सकते हैं क्या, सामने भी नहीं आता, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो वह भाग्य पर कुछ भी नहीं होता है, कार्य करेगा तभी ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो प्रसाद सिंह वतैन महल के द्वार पर, सिंह द्वार के सिंह के समान, तस्य यानी उसके मूर्धनि यानी सिर पर तिष्ठत यानी बैठता, वायस यानी कौवा, जैसे महल के द्वार के सिंह के सिर के ऊपर कौवा बैठता है, अर्थात उस सिंह का प्रभाव नष्ट हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति का भाग्य पर रहने पर उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, अर्थात कार्य करने पर ही हमें सफलता प्राप्त होती है, कार्य करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, भाग्य से कुछ भी प्राप्त
प्राप्त नहीं होता है, इस श्लोक में यह बताया गया है। दोबारा देखो, विहाय पुरुषे यो ही देवम अवलंबिते, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ करके भाग्य पर आश्रित होता है वह व्यक्ति वैसे ही प्रसाद सिंह वत्त है, यानी महल के द्वार के सिंह के समान, तस्यान उसके मूर्धन यानी सिर पर तिष्ठन्त यानी बैठता है वायसे, यानी कौवा महल के द्वार के सिंह के सिर पर कौवा बैठता है। अर्थात उस मूर्ति का प्रभाव, अगर वास्तव में शेर के सिर पर कौवा नहीं बैठ सकता लेकिन उसकी मूर्ति बन गई है तो उस मूर्ति के सिर पर कौवा बैठ जाता है, अर्थात उस सिंह का प्रभाव कम हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति अगर कार्य नहीं करता है तो उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। आगे देखो, पुष्पम पत्रम फलम छाया मूल वलकल दारू भी धन्या मही रूहा ऐसा विमुख यान्ति न अर्थिन है। पुष्प यानी पुष्प फूल, पत्र यानी पत्र, फलम यानी फल, छाया यानी छाया, वलकल यानी छाल, मूल पहले मूलम यानी मूल जड़, वलकल यानी छाल, दारूब यानी लकड़ी। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ता, फलम यानी फल, छाया यानी छाया, मूलम यानी जड़, वलकल यानी छाल, दारूब यानी लकड़ी। दोबारा देखो, पुष्पम यानी फूल, पत्रम यानी पत्ते, फलम यानी फल, छाया यानी छाया, मूलम यानी जड़, वलकल यानी छाल, दारूब यानी लकड़ी। धन यानी श्रेष्ठ हैं, मही धन यानी श्रेष्ठ हैं, मही रुहा यानी वृक्ष कि वे वृक्ष श्रेष्ठ हैं। अभी यहाँ से ऊपर वाली लाइन का अर्थ आएगा, यहाँ से लोगे आप, महिरु यानी वृक्ष धन यानी श्रेष्ठ हैं, वे वृक्ष श्रेष्ठ हैं जो फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ियाँ। आगे देखो, ऐसा मैंने जिसके विमुख यानी विमुख यानते यानी जो नए अर्थिन यानी चाहने वालों के विमुख नहीं होते हैं, अर्थात ये सब प्राप्त करना चाहते हैं उनसे विमुख नहीं होते हैं। ऐसा मैंने जो विमुख यानी विमुख नहीं होते हैं, यानते यानी जो नए अर्थिन यानी जिसकी इच्छा होती है जिसकी कामना होती है जिसको ये प्राप्त करना चाहते हैं उनसे, याचकों जो प्राप्त करने वालों को अपने याचक शब्द ले सकते हैं, जो याचकों से विमुख नहीं होते हैं अर्थात जो मांगने वाला होता है जिसकी इच्छा होती है जिनको ये जरूरत होती है पेड उनको सब कुछ ये सब देता है। तो ये वृक्ष श्रेष्ठ हैं जो फूल पत्ते फल छाया जड़ वलकल लकड़ी ये सब चाहने वालों को देते हैं उनसे विमुख नहीं होते हैं, अर्थात वृक्ष प्रोपकार करते रहते हैं अपना सर्वस्व दान करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में वृक्ष की प्रोपकारिता के बारे में बताया गया है। आगे देखो, चिंतन चिंतन इया ही विपदा में आधा एव प्रतिक्रिया नह कूप खननम युक्तम पर प्रदीपते वहीना ग्रह। ये श्लोक तब तक समझ में नहीं आएगा, पहले इसका मैं भावार्थ समझाती हूँ, ये थोड़ा सा कठिन है। तो इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके कोई भी समस्या आ जाती है तो उस समस्या का उस टाइम में ही समाधान नहीं खोजना चाहिए, अर्थात आने वाली समस्या के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे आपके एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम आने के बाद में पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे घर में आग लगने के बाद में कुआं खोदना, तो घर के आग लगने के बाद में कुआं खोदने से कुछ भी नहीं होता है, अर्थात समस्या आने के बाद में उसके उपाय के बारे में सोचोगे तब तक तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको उस उपाय के बारे में उस समस्या से पहले से तैयार रहना चाहिए, अर्थात आपके एग्ज़ाम आएगी तो एग्ज़ाम आने से पहले ही आपको तैयार रहना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, या एग्जाम को आपको पता है कि कल एग्जाम है कल टेस्ट है और फिर आज आप कुछ नहीं कर सकते, आप पहले से उसके लिए चीज़ के लिए तैयार रहते हैं तो उसका समाधान मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन आप कर लेते हो। लेकिन अगर आप तुरंत कुछ करना चाहते हो तो आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस श्लोक में यही बताया गया। तो एक एक शब्द का देखो, अब चिंतन यानी उपाय करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ही यानी
इसलिए विपदा मैंनी मुसीबत समस्या परेशानी संकट आने पर आदवैनी सिर पर एवं ही प्रतिक्रियानी उपाय के बारे में कि सिर पर विपदा आने पर उपाय के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, यथार्थ उस समस्या के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, न यानी नहीं कूप खननम यानी कुआ खोदना चाहिए युक्तम युक्त प्रतिपति यानी लग जाने पर, यानी अग्निग्रह यानी घर पर, घर पर अग्नि लग आग लग जाने पर कुआ खोदना नहीं चाहिए। अथा घर यानी घर पर वहिना यानी आग प्रतिवित यानी लग जाने पर युक्त में युक्त कूप खनन में कुआ का खनन नयनी नहीं करता मैंने करना चाहिए कि घर में आग लगने पर कुआ खोदने का कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात पहले से हमें समाधान करना चाहिए। दोबारा देखो, चिंतनिया ही विपदा यानी समस्या आने से पूर्व विचार करना चाहिए। आदम ए प्रतिक्रिया, हाँ सिर पर समस्या आने पर उपाय नहीं, अर्थात समस्या आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए। जैसे न कूप खनम युक्तम प्रतीयते वहिना ग्रह, जैसे घर में आग लगने पर कुआ खोदना जैसा नहीं करना चाहिए, अर्थात घर में आग लग गई फिर आप कुआ खोद रहे तो वो किस काम का है। इसी प्रकार आप कोई भी संकट आता है उस संकट से उभरने के लिए, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। आपके इतने ही श्लोक थे, वो पूरा आपका हो गया है। तो आपको शब्द इस पाठ के शब्दार्थ और ये श्लोकों का हिंदी अर्थ नोटबुक के अंदर करना है और कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको शब्दार्थ भी कॉपी में करना है और इन पूरे श्लोकों का हिंदी अर्थ भी कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।